विभिन्न जोन के झंडे छत्तीसगढ़ के झंडे की अगुवाई में क्रमशः साफ कर रहे हैं। वॉलीबॉल चौदह वर्ष बालिका प्रथम स्थान दुर्ग जोन हो गया। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री कमोल ठाकुर सर, डीएमसी। आजित हो गए, उनको भी आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने मैदान में उतर के प्रतिस्पर्धा में भाग ले लिया, इसका मतलब है कि चुनौती स्वीकार करने का मौका आपने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। और जो भी चुनौती स्वीकार बेमेतरा में साले प्रतियोगिता का एक बहुत बढ़िया भव्य कार्यक्रम का आयोजन था, उसके समापन समारोह हम लोग उपस्थित हुए। हम लोग ये मान के चलते हैं कि मैदान से ही प्रतिभा निखरती है और निकलती है, और बच्चे जो इसमें भाग लेते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी कहा जाता है कि अनुशासित होते हैं, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। छत्तीसगढ़ में तो हमने नारा ही दिया है ना कि खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, उसी का ये उदाहरण है। तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन को, जिला शिक्षा अधिकारी को और यहाँ के जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सब लोग हैं उनको सबको हृदय से बधाई देता हूँ। इक्कीसवीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का समापन था। यहाँ पर 5 जून के लगभग 560 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आयोजन बहुत सफल और बहुत अच्छा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सोह। बेमेतरा जिले में किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा खेल का यहां पे आज समापन कार्यक्रम था। खेल 4 दिन तक चला है और आज इनका समापन कार्यक्रम, जिसमें छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री रविंद्र चौबे जी यहां उपस्थित हो गए मुख्य अतिथि के रूप में। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, रायपुर संभाग से भी आए, 5 संभाग इसमें छत्तीसगढ़ के भाग लिए थे, जिसमें रायपुर संभाग के हमारे साथ बच्चे भी हैं जो तीरंदाजी में प्रथम स्थान हासिल किए हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। तो ये कैसा खेल रहा, आपका स्थान कैसे रहा, बताइए इसको। मेरा खेल बहुत अच्छा रहा और मेरा स्थान पहला नंबर आया। कैसे लग रहा है पहले स्थान में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इसका श्रेय आप किसके देंगे, किसको देंगे इसका श्रेय खेल का आपको? श्रद्धा मैम। श्रद्धा मैम को आए हैं? श्रद्धा मैम आपके साथ में? नहीं आ पाए। कैसे नहीं आ पाए आप? कैसे नहीं आ पाए आपके श्रद्धा मैम? शायद उनका तबीयत ठीक नहीं था तो नहीं आ पाए। तो बेमेतरा में 3 दिन तक खेल चला, कैसा लगा खेल कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगा। कब से खेलते आ रहे हैं आप ये खेल को? एक साल हो गई। हाँ। एक साल में कितने कितने पदक आप जीते, कहाँ कहाँ गए खेल खेलने के लिए आप? ये मेरा पहला मैच था और मैं KPS स्कूल में एक मैच खेली हूँ, उसमें सिलेक्ट होके मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ आके फर्स्ट आई हूँ। घर के लोग कैसे सपोर्ट करते हैं आपको इस खेल को लेकर? आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन कौन कौन रहते घर? भाई, मम्मी पापा, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और मेरी फैमिली भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मेरे पापा मेरे को घर पे योग सिखाते हैं, सुबह छोड़ने जाते हैं ग्राउंड, तो इस तरह मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कितना प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह, कितने घंटे करते हैं प्रैक्टिस खेल के लिए? 6:30 बजे जाते हैं तो 10:30 बजे आते हैं, कभी कभी 10 बजे आते हैं। कौन सी क्लास पढ़ाई करते हो बेटा अभी? 7th क्लास में पढ़ाई करती हूँ देशबंधु स्कूल में, रायपुर की। हाँ। तो अभी जो यहाँ पे खेल कार्यक्रम रखा था, बाकी कैसे सपोर्टेड मिला खेल बेमेतरा जिले में आने के बाद, आपको कैसा लग रहा है बेमेतरा जिले में आके खेल खेल के, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आप प्रथम स्थान हासिल किए तीरंदाजी में तो बहुत अच्छा लग रहा है वो तो। आगे क्या कुछ खुद उम्मीद रहेगी आप लोग, जब खेल में इतने बड़े स्थान हासिल किया बेमेतरा में राज्य स्तरीय खेल में आके, क्या कुछ उम्मीद रहेगी सरकार से आपको? क्या सरकार को ऐसी उम्मीद रहना चाहिए कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊं, ऐसी उम्मीद रहनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? आर्या मोहबिया। तो ये थे हमारे साथ आर्या मोहबिया, जो राज्य स्तरीय खेल समापन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। 4 दिन तक इनका खेल कार्यक्रम चला और तीरंदाजी में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का नाम, साथ साथ अपने माता पिता स्कूल का नाम भी रोशन किया है। कैमरामैन मनीष बंजारे के साथ भूपेंद्र साहू, पंजाब केसरी टीवी, बेमेतरा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।